आप इस तरह नलदा बच्चे देख लेंगे अभी लाइन का जो प्रश्न है वो क्या है रीडू कर सकते हैं आखिर दूसरे प्ले का दूसरा टेस्ट करने शुरू का अभ्यास करें रुको सर हां जी सर बताओ टेस्ट बुक का अभ्यास करते हैं टेस्ट करना है पहले हां बच्चों प्लस ये करना है ठीक है सर आप सर टेस्ट करने के लिए पहले तो हम कॉपी करेंगे कंट्रोल प्लस सी से कॉपी करेंगे उसके बाद जहां हमें ले जाना वहां का सब कर के उसको प्लस सी कर देंगे ठीक है सर जी सर पहले कॉपी करेंगे सर वो टेस्ट पैक बुक करके सर वाइस से लेंगे टेस्ट करेंगे चलो इससे बात सर कॉपी कराए हां जी सर सेलेक्ट होगा पहले फिर बाद में होगा कॉपी फिर बाद में पेस्ट होगा कहने के लिए पेस्ट का पूछा रहा सर पीछे ले लिया उसने ना कॉपी का भी दिया जो आप तो कहने कोई नहीं कोई नहीं नहीं तीसरा पूछने वाला था तो ठीक है अच्छा होती है तो आप सामने दिखाए जा रहे हैं उनको देखें और कट को सीखें आइए वीडियो को देखकर सीखते हैं कि कट पेस्ट कैसे करते हैं कट करने के लिए आप सभी को अपने लाइन या पैराग्राफ को सेलेक्ट करना होगा जैसे कि आपको वीडियो में दिखाया जा रहा है सेलेक्ट करने का विधि आपको बताया जा चुका है चाहे शॉर्टकट कमांड से या माउस या टचपैड के द्वारा या शिफ्ट या एरो की के साथ जैसे आपको वीडियो में दिखाया जा रहा है इस पैराग्राफ को माउस या टचपैड के द्वारा सेलेक्ट करें अभी यहाँ पे देखो क्या क्या बताया सेलेक्ट करना बताया गया ना कि इनको हम कट करना बता रहे हैं तो कट करने से पहले क्या यहाँ पे सेलेक्ट किया तो आप क्या करोगे इनको इन सबको कहोगे जो आपने पैराग्राफ जिसको भी कट करना है उसको सेलेक्ट करने इनको बोलो क्योंकि आप क्लास ले रहे हो ना तो इनसे चीजें करवानी है आपसे प्रश्न समझ में आओगे तो फिर पूछ सकता हूँ इसलिए मैं मेन में हेडिंग देखता हूँ हेडिंग पूछ सकता हूँ हाँ जो प्रश्न आए ना आपको वीडियो में वो पूछ लो ये बात है आंसर सुनो ये समझ नहीं आता कोई नहीं समझ आता बाकी तो ये है ही है सर आपके साथ हाँ ये ये सीखेंगे जी पूरा जैसे कि ये नीचे वाला पैराग्राफ है इसको हमने सेलेक्ट किया इसे हमें कट करना है तो हम मेनू बार की एडिट लिखे हुए ऑप्शन पे जाएंगे प्रश्न आंदा ना मैं वही पूछ रहा हूं कोई बात नहीं आप सोचते रहो जो इनका प्रैक्टिस हो जाएगी दोबारा से कोई चलते हैं और कट लिखे हुए ऑप्शन पर क्लिक करेंगे या शॉर्टकट कमांड कंट्रोल प्लस एक्स का उपयोग करेंगे तो यह सेलेक्ट किया हुआ लाइन या पैराग्राफ आपका कट हो जाएगा यानी कि यहाँ से हट जाएगा या डिलीट हो जाएगा अब इसे वापस लाने के लिए आपको पेस्ट का उपयोग सर बताओ इसको वापस लाने के लिए किसका उपयोग करेंगे स्ट्रिंग कमांड क्या है सर आप क्या सर इसको वापस लाने के लिए किसका उपयोग करना पेस्ट करना किस तरह कंट्रोल प्लस वी सर आपको कंट्रोल प्लस वाई बता रहे हैं कंट्रोल प्लस वी बता रहे हैं तो पेस्ट ही करना पड़ेगा कंट्रोल प्लस वी से यहाँ लाके कर्सर रख के तब कंट्रोल प्लस वी से पेस्ट करना पड़ेगा या ऑप्शन में जाके वहाँ से ही पेस्ट कर सकते हैं जो मैंने ऑप्शन में जाके अब आप बताइए वापस आने के लिए करेंगे आप फिर से मेनू बार के एडिट लिखे हुए ऑप्शन पर आएंगे और अपने टचपैड या माउस के लेफ्ट बटन को क्लिक करेंगे आप सभी पेस्ट लिखे हुए ऑप्शन को ढूंढेंगे जैसे कि अभी आपको वीडियो दिखाया जा रहा है आप इसे अपने राइटर के पेज पर कहीं भी पेस्ट कर सकते हैं पेस्ट करने के लिए आप शॉर्टकट कमांड का भी प्रयोग कर सकते हैं जो कि कंट्रोल प्लस टी होता है आप इसे एक बार कट करके एक से ज़्यादा बार पेस्ट कर सकते हैं जैसे कि आपको वीडियो में दिखाया जा रहा है इस तरह से आप कट पेस्ट का उपयोग कर सकते हैं अब आप कॉपी पेस्ट करने का अभ्यास करें इजी है मतलब वहां पे जाने के लिए कॉपी पेस्ट रेट में जाके
शॉर्टकट कमांड सर आप कॉपी पेस्ट की कमांड क्या कॉपी के लिए कंट्रोल प्लस सी और पेस्ट का है कंट्रोल प्लस सी अगर कोई समस्या होती है तो आप सामने दिखाए जा रहे वीडियो को देखकर कॉपी करना सीखें। सर एक क्वेश्चन है मेरा जब मैं कॉपी करने के बाद पेस्ट करता हूँ या कट करने के बाद पेस्ट करता हूँ मतलब कोई भी शॉर्टकट कमांड यूज करता हूँ मान लीजिए मैं कॉपी करना है कॉपी का कमांड होता है कंट्रोल प्लस सी मैंने कंट्रोल सी को दबाया तो उस समय क्या होता है मेरा सी लिख क्या जाता है क्यों कंट्रोल बटन को दबाया है हाँ कंट्रोल बटन को नहीं दबाया हाँ चलो सीधा सी को दबा दें ये आपके साथ हो रहा है ना अब इसके लिए एक और तरीका है पेस्ट कॉपी कट करने का जैसे हमने वहाँ से किया शॉर्टकट कमांड किया सर इसको मिनिमाइज कीजिएगा राइटर के पेज पे जाइए विंडो अब ओपन कर लीजिए राइटर का विंडो प्लस आर वहाँ से ये विंडो एट का है बता रहा हूँ सर ठीक है तो बीच तो अगर देख रहे हैं तो आपको पता लगा भी हम मिस हो रहा है मुझे इसको कॉपी करना है एक तो शॉर्टकट कमांड हो गया दूसरा आप एडिट से जाके करोगे तीसरा यहीं पे राइट बटन दबा दो माउस का इसके ऊपर यही पे अब देखो आप नीचे आ गए ना कट कॉपी पेस्ट आ गए ना तीनों लेकिन अगर सेलेक्ट अगर बाय द टेबल लेफ्ट बटन दबा के किया फिर नहीं आएगा राइट आपको सेलेक्ट करने के बाद क्या करना होगा राइट बटन ही दबाना होगा ठीक है फिर यहां से आप कॉपी पेस्ट कर सकते हैं ठीक है अगर बच्चों को प्रॉब्लम हो कॉपी पेस्ट कमांड का उपयोग करने में दिक्कत हो रहा है तो यहाँ से भी करा सकते हो आप ठीक है चलाइए क्लास आइए वीडियो को देखकर सीखते हैं कि कॉपी और पेस्ट कैसे करते हैं आप अपने पैराग्राफ को सेलेक्ट करें टचपैड या माउस के द्वारा उसके बाद जैसे कि आप सभी जानते हैं कॉपी और पेस्ट दो तरीके से कर सकते हैं एक शॉर्टकट कमांड और दूसरा मेनू बार के एडिट ऑप्शन के द्वारा आप सभी अपने पॉइंटर को एडिट मेनू बार के ऑप्शन पर लेकर आए और फिर इस बॉक्स के अंदर कॉपी लिखने के ऑप्शन पर क्लिक कर दें जिससे कि आपका यह पैराग्राफ कॉपी हो जाएगा जब आप कॉपी करेंगे तो आपको कोई इफेक्ट नहीं दिखेगा और यह कॉपी होगा सिर्फ अब आपको अपने कर्सर को वहाँ पे लेके आना है जहाँ पे इस पैराग्राफ को पेस्ट करना है जैसे कि आपको वीडियो में दिखाया जा रहा है पेस्ट करने के लिए भी आप दो तरीके से कर सकते हैं एक शॉर्टकट कमांड और दूसरा जैसे वीडियो में दिखाया जा रहा है एडिट मेनू बार के ऑप्शन पर लेकर आए और इस बॉक्स के अंदर पेस्ट लिखे हुए ऑप्शन पर क्लिक कर दें जिससे कि आपका सेम पैराग्राफ नीचे के जहाँ पे आपका कर्सर ब्लिंक कर रहा था वहाँ पे आ जाए एक और चाहिए तो आप सिर्फ पेस्ट का कमांड या मेनू बार के ऑप्शन पर जाकर सिर्फ पेस्ट पर क्लिक कर दें जिससे कि एक और पैराग्राफ आ जाएगा आपको जितनी बार चाहिए आप इसे पेस्ट करके ला सकते हैं इस तरह से आप कॉपी पेस्ट का उपयोग करते हैं फाइंड इट रिप्लेस का अभ्यास करें आज यहाँ पर आपको किसी वर्ड को अपने नाम में बदलना है अगर कोई गलत हो गया या हम उसको किसी और चीज से बदलना चाहते हैं प्रॉपर नहीं है वहां पर वो
तो हम जो फाइंड एंड रिप्लेस वाले ऑप्शन पर जाएंगे या तो कंट्रोल एल से सीधे सीधे इसको ले लेंगे तो फाइंड में हम उस वर्ड को टाइप कर देंगे। अगर एक जगह फाइंड करना तो सिर्फ फाइंड का ऑप्शन और फाइंड ऑल यानी कि जितनी जगह उसमें आया तो फाइंड ऑल पर चले जाएंगे और नीचे रिप्लेस वाले में वो वर्ड रख देंगे जिसमें रिप्लेस करना है वो वाला शब्द, तो उससे वो डायरेक्टली रिप्लेस हो जाएगा। समस्या होती है तो आप सामने दिखाए जा रहे हैं वीडियो को देखकर फाइंड एंड रिप्लेस को सीखें। एक ऐसे लगा थोड़ी ओवर करते हैं सी कहीं टारगेट कर रहे हैं टारगेट। हाँ क्लास में भी बताया था क्योंकि हम व्यू तक हो चुका है कल से प्रैक्टिस और हार्ड वेयर होगा फोकस से बता 8 बजे नहीं 3 से नहीं मिलेगा नहीं उसके बाद आपको जैसे हमारा बिजली डेवलप होगा बात करते हैं जाकर कठिनाई सब करा देते हैं करा लीजिए कल का कम कम से कम रखिए कल का कल प्रैक्टिस ज़्यादा हो सके कल प्रैक्टिस ज़्यादा हो सके वैसे मैं आप बैठी में 10 मिनट में आपको बताया हाँ 10